माइक टेस्ट ABBY। दोस्तों, अपने कुछ सालों के एक्सपीरियंस के बेसिस पे कुछ ऐसे पॉइंट्स मैं आप लोगों से इस वीडियो में शेयर करूंगा जो आपकी हेल्प करेगी डायरेक्ट सेलिंग प्रोफेशन में आपको टॉप परफॉर्मर बनने में। तो यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट है, खुद पे इन्वेस्ट करो। आप सब लोगों ने ये बात पहले भी सुनी होगी, लेकिन क्या कभी इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करने के बारे में सोचा? क्या आप लोग खुद के ऊपर इन्वेस्ट कर रहे हो, सिर्फ पैसा ही नहीं बट टाइम भी, नई स्किल्स और टेक्निक सीखने के लिए? आई गेस आप लोगों ने इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया है खुद पे, इसीलिए आप लोग ये वाली वीडियो देख रहे हो। ऑसम। सेकेंड पॉइंट है जनरेटिंग लीड्स। किसी भी बिजनेस की आत्मा होती है सेल्स। डायरेक्ट सेलिंग प्रोफेशन का मतलब ये नहीं कि आपने टीम बना ली उसके बाद अपने खुद के लीड्स को आप क्रिएट नहीं कर रहे हो और अपने डाउनलाइन के भरोसे बैठे हुए हो। आपको खुद की रेगुलर बेसिस पे खुद अपनी लीड्स भी क्रिएट करनी चाहिए। आपकी डाउनलाइन वही करेगी जैसा एग्जाम्पल आप सेट करोगे। दोस्तों, लीड्स जनरेट करने के लिए काफ़ी सारे तरीके हैं, लाइक ऑफलाइन नेटवर्किंग, फेसबुक, इंस्टाग्राम। ऐसी कोई फनल आप लोग क्रिएट कर सकते हो जिससे स्मार्ट लोग जिसके थ्रू आपके साथ आके जुड़े और आपके साथ काम करें। यहाँ पे तीसरी चीज है, नंबर्स को पहचानो। दोस्तों, वो सारे नंबर्स आपको पता होने चाहिए जो आपके बिजनेस को अफेक्ट करते हैं, वो नंबर्स जो आपके बिजनेस को कंट्रोल करते हैं। फॉर एग्जांपल, एक सेल करने के लिए आपको कितने लोगों को रीच करना पड़ता है, कितनी सेल से कितना पैसा आता है, बिजनेस इन्वेस्टमेंट के बाद कितना पैसा बचता है जो आपका नेट रेवेन्यू है। ऐसी बहुत सारे नंबर्स है जो आपको पता होने चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पे किस। किस का मतलब है कीप इट सिंपल एंड शॉर्ट। हर चीज़ को कॉम्प्लिकेटेड क्यों बनाना यार? ऐसा नहीं है कि कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें कर देने से हम स्मार्ट बन जाएंगे। हर सक्सेसफुल परफॉर्मर की तरह आपको भी अपना बिजनेस सिंपल रखना पड़ेगा। इसके बाद नेक्स्ट है क्रिएट रिलेशनशिप्स। यहाँ पे सारा खेल रिलेशनशिप बिल्ड करने का है। नेटवर्क में जो लोग टॉप परफॉर्म कर रहे होते हैं उन सबको पता है कि जहाँ से पैसा आ रहा है वहाँ पे ज़रूरत है एक स्ट्रॉन्ग रिलेशन को बिल्ड करने की। स्मार्ट लोगों के साथ काम करो, स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप को बिल्ड करो। आप एक पावर हो, आपकी टीम में हर एक एसोसिएट एक पावर है। अगर आप लोग सब साथ में मिल जाओ तो बन जाएगा एक सुपर पावर। और उसके बाद ना सुनना सीख लो। दोस्तों, नो का मतलब होता है नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी। बहुत सारे सेल्स के लोगों से मेरी बात हुई, मोस्टली सब लोग ये कहते हैं कि अगर लगातार वो लोग 3-4 लीड से ना सुन लेते हैं तो उनके काम करने की मोटिवेशन खत्म हो जाती है। यार, आपको टॉप लेवल पे रीच करना है तो सुनना भी सीखना पड़ेगा। और उसके बाद आपको एक अच्छा स्टोरी टेलर बनना पड़ेगा। दोस्तों, स्टोरीज बिकती हैं। आप सबने सुना होगा स्टोरीज सेल। लोग स्टोरी से खुद को रिलेट करते हैं। मैं खुद आज भी जब किसी भी सेल्स पिच के अंदर कोई अच्छी स्टोरी सुन लेता हूं तो मेरा इंटरेस्ट उस चीज के अंदर डबल हो जाता है। लोगों को अपना प्रोडक्ट या फिर प्लान पिच करने की जगह अपनी स्टोरी सुनाओ, स्टोरीज को पिच करो। और आप सब लोगों की हेल्प करने के लिए मैं एक और वीडियो बनाना चाहता उन बातों का जवाब देना चाहता हूं जो कह के लोग आपको मना कर देते हैं, आपकी टीम में ज्वाइन नहीं करते हैं। पापा ने मना कर दिया, मेरे पास टाइम नहीं है यार ये सब कुछ करने का, सोच के बताऊंगा, या फिर कुछ भी। आपने ऐसी जितनी भी लाइनें सुनी अपनी जिंदगी के अंदर, वो सारी लाइनें नीचे जाके कमेंट बॉक्स के अंदर लिख दो और हम लोग नेक्स्ट वीडियो के अंदर इन सारी लाइनों का, इन सारे क्वेश्चंस का, इन सारे सवालों का आंसर देंगे। और अगर आप लोग भी मेरे साथ जुड़ना चाहते हो, मेरे साथ काम करना चाहते हो, तो डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है, वहां पर क्लिक कर देना। और इसी के साथ दिस वॉज ABBY फायरल साइनिंग ऑफ।